वेलकम टू माय चैनल। ये सारे बॉक्स देख रहे हैं फ्रेंड, इसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग करके इसे मंगाया है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और कुछ कलर डी बोर्ड है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि हमें कितने में मिला है और ये कैसा काम करता है। तो वीडियो के लास्ट में हम कलर डी बोर्ड को टेस्टिंग भी करेंगे और एक दूसरे से कंपेयर भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए। तो चलिए पहले इसे दिखाते हैं फ्रेंड। ये कॉपर क्लैड पीसीबी है, आप देख सकते हैं ये 12 इंची का है, 12 इंची बाय 12 इंची है, यानी एक फिट बाय एक फिट है। ये कॉपर क्लैड बोर्ड है। ये देखिए इसका एक ग्लास एक पसी वाला है FR। और इसका थिकनेस की बात करें फ्रेंड तो 1.5 mm का थिकनेस है इसका। इसे हमने अमेजोन से परचेज किया है। लगभग इसको 429 रुपये हमको पे करना पड़ा फ्रेंड, ये 12 इंची वाला को। हालांकि इसका फिनिशिंग बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस पे बोर्ड को बनाकर फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाएंगे इस पे, तो फिर उसका भी वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। तो इसे वापस पैकिंग कर देते हैं। और इस वाले बॉक्स में देखते हैं फ्रेंड, इस वाले बॉक्स में हमने इंकोशन से इसे मंगाया है। ये लगभग इसका तो इसका हमने हेड सिंक को फिट लगा दिया फ्रेंड। ये है ये बोर्ड, ये क्लास डी बोर्ड है जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। एक खास करके कार ऑडियो के लिए ये बोर्ड डिजाइन किया गया है। ये 12 वोल्ट से चलती है और इसमें बास ट्रेबल भी साथ में है। तो इसका भी हम टेस्टिंग करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको बाकायदा हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि बोर्ड कैसा है। और इस वाले बॉक्स को देखते हैं फ्रेंड, ये robo.in से हमने इसे परचेज किया है फ्रेंड। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कुछ रजिस्टर है, हमने इसे मंगाए हैं। ये रहा फ्रेंड, ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 पीस के आसपास रजिस्टर है इस होगा इसमें। देखिए इनका पैकिंग भी बहुत ठीक था फ्रेंड, पैकिंग कोई दिक्कत नहीं था, पैकिंग बहुत बढ़िया से करके दिए थे। और डिलीवरी भी बहुत फास्ट था फ्रेंड इसका। देखिए इसमें रजिस्टर है, इसमें बहुत सारे वैल्यू के हैं, 1 mm से लेके फ्रेंड आप यहाँ पे लास्ट में देखते हैं तो इसमें चलिए कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 1 mm है फ्रेंड, यहाँ पर 680 के है, इसके नीचे देखिएगा फ्रेंड तो 470 के है, इसके नीचे देखिएगा फ्रेंड तो ये 300 के का रजिस्टर है। रजिस्टर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये 220 के का है और ये 100 के का है और ये 68 के का है फ्रेंड, और ये 51 के का है और ये 47 के का। इसी प्रकार के फ्रेंड हर एक वैल्यू का हमको रजिस्टर मिल जाता है और एक एक में कम 20-20 पीस का ये है। कंपनी वाले तो बोले हैं कि 600 पीस है, अब इसे गिनती करेंगे तो पता चलेगा फ्रेंड कितना पीस है। तो इनसे हमने दो प्रोडक्ट मंगाए थे रोबिनहुड से, robin.in से। तो इसमें एक कूलिंग फैन है फ्रेंड, एम्पलीफायर के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं।
जिनका 18% अलग से GST भी लगता है और कैश ऑन डिलीवरी अगर COD मंगाते हैं फ्रेंड तो 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इनका भी डिलीवरी बहुत अच्छा से फास्ट आसानी से मिल जाता है फ्रेंड, पैकिंग भी ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं ये कूलिंग फैन है, ये 12 वोल्ट DC पे काम करता है, एयर निकालने के लिए है। तो इसे वापस पैक कर देते हैं। इसका प्राइस हमें 79 रुपया पड़ा है फ्रेंड, प्लस डिलीवरी चार्ज हमको लगा है इसका। तो इसे भी साइड करते हैं और इसे भी साइड करते हैं फ्रेंड। बाकी रहा ये छोटा वाला डब्बा, तो ये अमेजोन से आया है, तो चलिए इसे भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आधी आया डिलीवरी फ्रेंड, और कुछ इसका बिल वगैरह है। इसे हमने अभी अनबॉक्सिंग इस पैकेट से नहीं की है फ्रेंड, तो इसे अनबॉक्सिंग कर देते हैं इस पैकेट से भी, फिर उसके बाद देखते हैं। देखते हैं इसके साथ क्या क्या दिया है। ये बहुत छोटा सा एक Class D बोर्ड है, ये 50+50 बार का स्टूडियो है, और इसमें भी एक 3M दिया है जो बास टेबल मीट वॉल्यूम होगा। ये 24 यानी 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ये सप्लाई पे चलता है। तो हम इसको भी टेस्टिंग दिखाएंगे फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिए। इसका प्राइस हमें 729 रुपया इसका प्राइस लगा है फ्रेंड। ये छोटे सा बोर्ड का, और इसके अंदर चिप लगा हुआ है। ये काफ़ी छोटा सा बोर्ड है, आप देख सकते हैं। आप अगर स्केल से दिखाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, तो ये लगभग 1.5 इंची के आसपास है फ्रेंड। और इस तरफ से अगर देखते हैं वनली बोर्ड को फ्रेंड, तो ये 1.5 इंची के से भी कुछ कम है, यही 1.25 इंची है फ्रेंड। और एक ये था Class D बोर्ड, तो इसका हम टेस्टिंग भी करेंगे इसी वीडियो में फ्रेंड। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसके साथ है 3 नॉब दिया गया है, और कुछ एक ये दिया है केबल, और इसमें क्या है फ्रेंड ये भी दिखा देते हैं। इसके अंदर कुछ कैपेसिटर वगैरह हैं जो कि 47 MFD 35 वोल्ट है, 35 वोल्ट है। और इसके अंदर कुछ ये छोटे वाले कैपेसिटर हैं, तो फटाफट इसे दिखाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। ये भी Class D छोटा वाला है, 1/10 है। हमने इसे लोकल मार्केट से परचेज किए हैं फ्रेंड, मात्र 90 रुपीस में हम लोग की तरफ ये मिल जाता है 1/10। और कुछ IC है, और ये रहा कुछ
डाइवोट है 4754-08। ये कुछ पोटेंशियल मीटर है, में भी कुछ आईसी है, ये 20-30 आईसी है। और बहुत सारे फ्रेंड तो वीडियो दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए बोर्ड को टेस्टिंग करते हैं। इसे वापस इसी में रख देते हैं। सारे कनेक्शन हम पहले से कर चुके हैं फ्रेंड, तो अब इसे पावर अप करने वाले हैं। ये बोर्ड काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में है और इसमें जो फास्ट ट्रेवल के लिए जो ओपेम यूज किया गया है वे यानी 5532 आईसी से बना हुआ है सर्किट। तो इसको सप्लाई देने के लिए फ्रेंड हम यहाँ पे 24 वोल्ट का अडेप्टर को यूज करने वाले हैं जो कि 2 एम्पियर में है, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आउटपुट में जो स्पीकर लगा हुआ है फ्रेंड, ये 5 इंची का 30 वाट का एक यहाँ पे स्पीकर है, ये सबवूफर है फ्रेंड, और एक 8 इंची का ये 30 से 40 वाट का एक ये है। तो चलिए पावर को अप करते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल के लिए एक बैटरी को यूज करेंगे हम। और इसे पावर देते हैं। इसका वॉल्यूम लेवल कम करने के लिए है फ्रेंड, ये वॉल्यूम कंट्रोल है, ये इसका ट्रेवल है और ये इसका बेस है। इसका बेस है फ्रेंड, अब ये ट्रेवल, ये वॉल्यूम है। ये काफी कॉम्पैक्ट साइज में बोर्ड है जो कि इसमें यानी 5532 के यूज किया गया है आईसी ओपेम वॉइस ट्रेवल के लिए। हम फुल वॉल्यूम करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, तो मेरा ये बोर्ड क्लिपिंग करने का कोशिश करता है क्योंकि हमारा एम्पियर ये कम है, इसमें ये 2 एम्पियर है, इसको कम से कम 3 से 4 एम्पियर का करंट जरूर चाहिए फ्रेंड। और वैसे बोर्ड का साउंड क्वालिटी बेस्ट है, बिल्कुल क्लियर साउंड है, कोई हमिंग नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल क्रिस्टल साउंड आ रहा है और कोई हीटिंग भी इशू नहीं है। जल्दी से दूसरे वाले बोर्ड को भी कनेक्शन करके उसे भी प्ले करते हैं फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें भी साउंड आपको क्लियर है, विथ बेस ट्रेवल के साथ है, ये इंकोशन से आया है,
ये कार ऑडियो के लिए खास करके डिज़ाइन किया गया है। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। यहाँ पर एक बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है जिससे इसको 12 से 24 वोल्ट सप्लाई बन के मिलती है इस बोर्ड को। इसमें आईसी यूज किया गया है फ्रेंड, ये 3116D2IC है। ये 50+50 वाट करके ये देती है फ्रेंड। ये एक्चुअल में 50+50 वाट है। इसमें आउटपुट इस वाले बोर्ड से ज़्यादा है जो कि कंपनी इसमें 80+80 वाट कह करके इस बोर्ड को दे रही है, लेकिन ये आउटपुट उतना नहीं देता जितना ये बोर्ड दे रहा। अब इस वाली सप्लाई से मैं इसको चला के देखूँगा तब पता चल जाएगा, क्योंकि हम इस अभी जो बोर्ड चला रहा था इस वाला फ्रेंड, तो उसमें चला रहे थे हम 24 वोल्ट 2 एम्पियर में। अब इस वाले बोर्ड से सप्लाई दूंगा इसमें, उसके बाद एक्चुअल इसका वाटेज पता चल जाएगा कि कंपनी झूठ बोल रही है सच। हमें लगता है फ्रेंड ये 80+80 वाट नहीं है, यहाँ तो 50+50 वाट भी हमें नहीं लग रहा था। इसके कंपेयर में इसका आवाज़ बिल्कुल आधी है फ्रेंड, लेकिन हीटिंग बिल्कुल नहीं है इस बोर्ड में, साउंड भी क्लियर है। खाली वाटेज में हमको डाउट लग रहा है फ्रेंड, और इस वाले बोर्ड में वाटेज का तो खैर कोई कहना नहीं है, वाटेज इससे दोगुनी आवाज़ है इसमें, लेकिन थोड़ा सा हीटिंग इशू है इसमें फ्रेंड। एक फ़ैन लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ठंडी में तो खैर फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। हल्का हीटिंग ये करता है बोर्ड, ये बिल्कुल हीटिंग नहीं करता है। हालाँकि दोनों में साउंड क्लियर है, दोनों बोर्ड में साउंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गेन हमको हाई मिलता है आउटपुट, क्योंकि इसमें बाइस्टेबल के लिए डबल ओपन भी यूज किया गया है, और साउंड ट्रेवल एकदम बिल्कुल क्रिस्टल है फ्रेंड, उससे ज़्यादा है, और बेस भी है, पंच वाला बेस इसमें देता है। लेकिन इसमें एक बार फिर से कह रहे हैं फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा हीटिंग का इशू है, बिना फैन के ये नहीं चलेगा। हाँ, ठंडी के मौसम में चल जाएगा। देखिए हम यहाँ पर फैन 12 वोल्ट इस वाले SMPS से चला रहे हैं इसको, जो कि 12 वोल्ट आउटपुट देती है, साथ में ये 5 वोल्ट और 3.2 वोल्ट भी आउटपुट देता है। ये डेस्कटॉप का है यानी PC का ये पावर सप्लाई है, इसी से चला रहे हैं, और इसका वोल्टेज आपको मेजर करके भी दिखाते हैं फिर। ग्राउंड कहीं से भी ले लेते हैं, और ये ठीक से बाहर निकल गया है। एक हाथ में हमारा कैमरा है फ्रेंड, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मीटर में देखिए 12 वोल्ट हमने इनपुट दिया है, और इसका आउटपुट यहाँ पे मिलता है फ्रेंड, ये देखिए 23 वोल्ट इसमें मिल रहा। अब इसी वाले वोल्ट को अगर इस बोर्ड में अगर देते हैं फ्रेंड, तो इसका पूरा आउटपुट पता चल जाएगा इससे ज़्यादा है या कम। तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फ्रेंड, इसको फुल कैबिनेट में जब फिटिंग करेंगे तो हम 24 वोल्ट सप्लाई पूरा एम्पियर में देंगे इसको, जितना उसको चाहिए, उसके बाद पता चल जाएगा। तो ये वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।